हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 19 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप का 10 बजे जिला दफ्तर में इनेकाद अमल में आएगा। इस कैंप का मकसद मुल्क के हालात में एनजीओस का साथ और सीआरपीएफ के जवानों के शहीदों पर इजहार यंगागियत है। इस कैंप में तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग शरीक रहेंगे। डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, ये मार्च 19 के दिन इंशाल्लाह सुबह में 10 बजे इसका आगाज़ होगा। करीब 1000 सरकारी मुलाजमीन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के इसमें हिस्सा लेने का अंदेशा है। इसका ख़ास मकसद एक ही है कि भाई तेलंगाना एनजीओ सीजन के कायदीन खाली तनख्वाह के लिए या डीए के लिए या एचआरए के लिए नहीं है, बल्कि जब जब ये हमारे सरजमीन को हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम हमेशा यह सरकार के साथ थे। पिछले साल भी आप लोग देखें केरला में बड़े पैमाने पे जब तूफान आया था तो करीब 13 लाख रुपए की हम लोग माली इमदाद करते हुए केरला को कलेक्टर मैडम के ज़रिए से हम लोग यहाँ से हर चीज़ भेजने की कोशिश किए। तो इसका मकसद भी ये है कि भाई जो परसों कश्मीर में जो हमला हुआ, हमारे जो सिपाही मारे गए 44 लोग, उनके याद में उनके अफराद खानदान के साथ हम तमाम लोग हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ है, हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी आवाम है वो भी उन लोगों के साथ है। तो जब हमारे जवान हमारे लिए जान दे सकते हैं तो क्या हम एक बॉटल खून नहीं दे सकते? क्या ज़रूर हम खून देंगे। और ये खून के ज़रिए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो धुपकाले में ये ब्लड का जो भी है इसका लेवल गिर जाता है, जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल है, मॉडर्न मेटर्निटी हॉस्पिटल है, नीलोफर बच्चों का दवाखाना है, कैंसर हॉस्पिटल है, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल है, रेड क्रॉस है, ये तमाम लोगों को कि जो भी हम लोग ये ब्लड कलेक्ट करेंगे 1000 लोगों का, ये 1000 यूनिट, ये 4-5 हॉस्पिटल